दिन की शुरुआत हमेशा की तरह मेरी चाय से होती है। चाय के बिना तो लाइक दिन शुरू ही नहीं होता है मेरा। उसके बाद में मनोज भी उठ जाते हैं तो उनको भी मैं चाय दे देती हूँ। कभी जब दीदी होती है किचन में तो वो दे देती है, नहीं तो मैं देती। तो उस चाय पीने के बाद में दीदी क्या करती है, आगे आगे का पूरा काम कर देती है। मैं पीछे पीछे लाइक पोछा लगाती रहती हूँ या फिर बाकी का क्लीनिंग का काम करती रहती हूँ। और उसके बाद में ना वो किचन में चले जाते हैं, किचन को पूरा फ्री कर देते हैं, सब कुछ खाना है नाश्ता बनाकर, क्योंकि पापा स्कूल जाते हैं तो उनके लिए प्रॉपर लंच बनाना रहता है, तो उनको ज़्यादा सही से पता रहता है। तो वो किचन का करती है और मैं बाहर का कर लेती हूँ। तो ऐसा मेरा मॉर्निंग रूटीन रहता है। और उसके बाद में मैं नहाने के लिए जाती हूँ। और आज दीदी ने नाश्ते में बनाए थे पराठे और लाल मिर्ची, और ये जो रोटी होती है ना एक्स्ट्रा, उसको हम नमकीन रोटी बना लेते हैं, तो काफ़ी टेस्टी लगती है। तो ये हमारा आज का नाश्ता था। अब गालो मुट्ठी भर। ये देखो गाइस, मम्मी ना गूंद के लड्डू बना रही है। मम्मी किसके लिए बना रहे हो? मेरे लिए? हम सबके लिए बना रहे हैं मम्मी। ये देखो गाइस, मम्मी ना मुझे बुला के लेके आए हैं, बोल रहे हैं मैं ना लड्डू बना रही हूँ, वीडियो बना मेरा। ये पूरा गूंदना अभी हमको इसमें डाल के निकालना है, ये घी में निकाल रहे हैं मम्मी। तो गाइस देखो, यहाँ पे मम्मी लड्डू बना रहे हैं। मम्मी आज गीले कैसे बने इतने लड्डू? गर्मी है जगह, गर्मी की वजह से ये थोड़े गीले गीले लग रहे हैं ना। और गोंद के लड्डू किस किस को पसंद है ये कमेंट सेक्शन में बताओ आप सब। आत्मा का करो लड्डू। तो अभी आपने देखा कि मम्मी ने गोंद के लड्डू बनाए थे, तो मम्मी की थोड़ी सी हेल्प करने के बाद में मैं अपनी रोटियां बनाने लग गई थी, क्योंकि सब्जी दीदी सुबह ही बना देती है, तो बस रोटियां गरम गरम दोबारा मैं सेकती हूँ। तो सबके लिए मैं यहाँ पर रोटी बनाने लग गई थी। लाइक दीदी सुबह किचन फ्री करती थी, उसके बाद में जो काम रहता है जैसे बर्तन रोटी ये सब मैं करती रहती हूँ, क्योंकि वो ना सिलाई करती है तो उसको बीच बीच में डिस्टर्ब करना अच्छा नहीं लगता। तो मैं अपना बाकी का काम कर लेती हूँ रात तक, फिर वो फिर से आकर रात का खाना बनाती है। अभी ये देखिए, ये अपनी कटिंग कर रही है कपड़ों की, और उसके बाद में कुछ स्टिच करेगी। बीच बीच में जब परी रोती है तो ये बस परी को खिलाती है थोड़ी देर, या फिर उसको सुलाने के लिए जाती है, बाकी का अपना पूरा काम करती रहती है, क्योंकि उसको इतना ज़्यादा काम रहता है, इतनी ज़्यादा सिलाई रहती है ना, तो जल्दी जल्दी इसको ख़त्म भी करना रहता है। काफ़ी सारे लोग मुझसे बोलते हैं कि आपके इतने सुंदर सुंदर ब्लाउज़ कौन स्टिच करता है, तो ये मेरी दीदी ही स्टिच करती है। परी चाय पिएगी क्या? ए परी चाय पिएगी? नहीं पिएगी। देख बुआ क्या कर रही है, ये क्या कर रही है बुआ, ये उधर देख। हाँ ये क्या कर रही है बुआ, बुआ बाबू की फोटो क्लिक करेगी होली की, तू ही गलाएगी इसके ऊपर, तू ही सो जाना। तो बुआ दे ये पूरा सेटअप रेडी कर रही है।
तो गाइस जस्ट अभी हमने चाय पी थी और अभी मनोज लेके आया गया गरम गरम सबके लिए कचौरी शाम के नाश्ते के लिए, और इसमें मनोज की चाय भी रखी हुई है, उन्होंने अभी तक पी नहीं। तो शाम को मेरा चाय का टाइम रहता है बनाने का, तो चाय बना ली, अभी नाश्ता करेंगे कचौरी का। होली के फोटोशूट के लिए ये सेटअप ऐसे तैयार कर लिया है, अभी फोटोशूट करेंगे हम। इस पे भी ये दिए में कलर भरेंगे, थोड़ा गुलाल वगैरह रखेंगे, बाकी सब रेडी है। और ये यहाँ पे कचौरी खा रही है, कचौरी की कचौरी का पूरा टेस्ट बिगाड़ दिया। कचौरी होती है एकदम सिंपल कचौरी, उसको दही वही डाल के पूरा, जो मेरी कचौरी थी मैंने उसको ही बनाया, आपकी तो नहीं बनाई। ठीक है, क्या कर रही है ये बुआ, परिवारी के सारा सामान मुझे भी चाहिए, वो तो बना रही है क्या, ये फोटोशूट की तैयार हो रही है। ऊपर देख, चाचू की तरफ देख, पूरी को भी करना है, नहीं हो रहा, कैसे हंस रही थी, नहीं हो रहा। ठीक है ठीक, बाबू जी हो गए, अब ले लो अपना जल्दी से, खींच खींच खींचो फोटो खींचो, क्यों रो रो रो, नहीं एंजना है एंजना है, और क्या देगी, परे ने बोला कि पहले भी उठाना नहीं है, परे ये भी खेलना नहीं है, परी अब क्या करे हो तुम लोग, देख इधर देखो, चौथी बाबू का तो फोटो हो गया, ए भाई क्या, अब कपड़ा खोलो, नया कपड़ा खोलो, चलो खोलो खोलो कपड़े, खोलो घर वाले कपड़े भी ना, परे दीदी की तरह ऐसे पहनो बिना मैचिंग का। देखो ये चाचू भतीजी ना क्लीन कर दे वापस, होली का नाम किधर गया, होली का ये जो दीदी ने ये काट काट के बनाया था ना, साफ करो पूरा, चलो मेरा बेड साफ करो वापस, परी चल साफ कर, तो गाइज ये शाम के टाइम की क्लिप है, लाइक 8 बजे के आसपास की, हम सब लोग अपना सारा काम खत्म करके ऐसे बातें कर रहे थे, पापा आए नहीं थे तो उनका वेट कर रहे थे, और मस्त एकदम साथ में बैठकर बातें भी कर रहे थे। और आज का व्लॉग आप लोगों को कैसा लगा कमेंट सेक्शन में बताना, और कल होली है तो मैंने आज अपने हाथों पर थोड़ी थोड़ी मेहंदी लगवा ली है, और ये वाला व्लॉग ना आपके पास होली वाले दिन ही आएगा। सो ये व्लॉग अच्छा लगे तो प्लीज़ इसको लाइक ज़रूर करना, और जो चैनल पर न्यू हो चैनल को सब्सक्राइब करना, और ये देखो परी भी आ गई अपना कोण लेकर, बोल रही मेरे भी बसु मासी की तरह मेहंदी लगा, तो देखो कितनी क्यूट लगती है ना, ये ऐसे ही मस्ती करती रहती है पूरे दिन, एंड बाय बाय।